हमने कथा करी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश प्रदेश की बुराई नहीं है, पर एक गांव में हमने करी करी कथा। चेला की फोटो इतनी बड़ी, हमारी जुनैया बराबर इतनी सी, इतनी सी। हम गाड़ी लेकर जैसे ही गाय वहां शहर में हमने प्रवेश किया, हमने गौर से बैनर की तरफ देखा, दो तीन, हमने सोचा एक आदमी मिस्टेक हो गई होगी, नो प्रॉब्लम, इट्स मिस्टेक हो सकती प्रिंट आउट बार प्रिंटिंग वाले से, पर सब में हम इतने जुंदगिया से कोने में चिपकी हैरान से बैठे, ऐसी जगह के होते चिड़ैया बैठ जाए सो हम हरा जाए। और चेला को तभी लासो है जो चेला दूर से काली चांद दिखे। हमने कहा हमने अपने ड्राइवर सारथी से कहा, हमने कहा प्लीज स्टॉप योर कार, प्लीज रोकिए जरा जरा गाड़ी को रोकिए। हमने कहा जरा देखो इसमें हम ही है कि काऊ और को चिपका दिया। जब हमने गौर से देखा कि हम ही है गुरुजी, अरे हमने कहा अब चेला मिला, हमने कहा हाउ आर यू, चेला बोला गुरुजी आई एम फाइन। हमने कहा एक काम करो कथा बाद में हो, बोले क्या, हमने कहा पहले बैनर निकलवाओ उससे हमारी फोटो हटवाओ, तुम अपनी अपनी लगवाओ, श्रोता भी तुम बनो वक्ता भी तुम बनो, कथा हम कर देंगे। कहा जुंदैया सी धर दई, हमारी बदनामी और करवा रहे, बेइज्जती करवा रहे। बोले गुरु जी क्या बताएं, हमने सोचा कि आगे चल के सब अब अच्छा उसके जवाब देखना, जवाब देख के तो और मन भाव के चार छह कोने में जाके लगे। जवाब पता है क्या बोला, बोला गुरु जी हमने सोचा कि चेला को लोग जानने लगे, गुरु को तो सब जानने लगेंगे। बताओ हमने कहा जय हो तुम्हारे चेला, अच्छी जगह फंस गए। आओ तो हमने कहा फिर तो एक काम करो, इसमें कथा व्यास अपना ही नाम डलवा लेते, हमारा क्यों डलवाया। अरे बोले गुरु जी वो तो नहीं हो पाएगा, तो श्रोता भी ऐसे कथा जजमान भी, कई कथा जजमान तो हमने देखे, कई युवा देखते हैं, हम पंडाल में घुसाता हूं मोबाइल पहले ही चालू करें। अच्छा उनसे पूछो ये क्या, बोले याददाश्त के लिए कभी कभी देखते रहेंगे घर पे। अरे टीवी में आ रही नेट पे डली, क्या देखना है, आके तुम कथा सुनो थे। लेकिन नहीं, जब तक वे अपने मोबाइल में फोटो खिंचवा लेने संतुष्टि नहीं। अब हम भी परिपक्व हो गए, अब आजकल हमारे पास लोग प्रणाम करना थोड़ी और फोटो खिंचवा, हम भी इतने पक्के हो गए कि जैसे ही आदमी दिखा सो हम पहले ही आ जा पहले खिंचवा ले बाद में पाऊं पर बाहर में आइए तो ही खिलाने, पहले अपनो काम कर बात। बोलो सीताराम।